92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी एक जोड़ी उम्मीद, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह से शिवानी की बाई आंख फड़क रही थी, हो न हो कुछ बुरा होने वाला है। बड़बड़ाते हुए उसने चाय का ग्लास मेज पर करीब करीब पटका। ये लो जी चाय पी लो, एक बार गर्म कर दिए, अब नहीं उठे तो दोबारा गर्म नहीं करूंगी। शेखर ने छोटी सी झपकी चुरा लेने के इरादे से तकिए में सर धंसाया ही था, लेकिन पत्नी के तेवर देख के नींद हवा हो गई। आज सुबह सुबह ही क्यों मुंह फुलाया है? शेखर ने अपनी आवाज को नरम बनाने की भरपूर कोशिश की। अरे मुझसे नहीं संभलती तुम्हारी गृहस्थी, सब अपने आप को राजा समझते हैं। शिवानी पर शेखर की मक्खनबाजी का कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, बताओ तो सही, शेखर ने फिर पूछा। नेहा के नखरे रोज बढ़ते जा रहे हैं, दो टांके ही तो लगे हैं जूते में, कहती है फटे जूते नहीं पहनूंगी। डांट लगाई तब भी चप्पल पहनकर स्कूल चली गई। महारानी विक्टोरिया को तो हर महीने नए जूते चाहिए। शिवानी कहने को तो कह गई, लेकिन जानती थी कि 2 महीने से नेहा वही जूते पहन रही है। कई बार टांके लगने से जूते की हालत पतली हो चुकी है। पिछली बार मोची तक ने कह दिया था कि बहन जी अब ये जूते फेंक ही दो आप, सिलाई बैठ नहीं पाएगी। शेखर को उठाकर शिवानी उसका टिफिन तैयार करने में जुट गई, लेकिन नेहा का मायूस चेहरा आंखों के सामने बार बार मंडराता रहा। नेहा के जूतों की हालत देखकर शिवानी गोल चक्कर वाली दुकान में गई भी थी, लेकिन सबसे सस्ता जूता भी 200 रुपए से कम नहीं था। शेखर की तनख्वाह मिलने में अब भी 4 दिन थे और शिवानी के पास सिर्फ 300 रुपए बचे थे। शिवानी चाहकर भी उसके लिए जूता नहीं खरीद पाई। शेखर और शिवानी की जान नेहा में बसती थी। अपनी इकलौती औलाद की छोटी सी जरूरत पूरी न कर पाने की मजबूरी आंसू बनकर उसकी आंख से लुढ़क आई। शिवानी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे कहीं शेखर देख न ले। सुनो तुम नेहा के लिए जूते ले आना, कुछ रुपए तो होंगे ना? नाश्ता करते हुए शेखर बोला, अभी 4 दिन है तनख्वाह मिलने में, जूते कैसे ले आऊं? अच्छा आप चिंता मत करो, शिवानी बोली, नेहा बहाना बना लेगी कोई स्कूल में। शिवानी जानती थी कि नेहा को मनाने में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 5 साल की नेहा अभी से मन मारना और समझौता करना सीखने लगी थी। शिवानी मैं जा रहा हूं, शेखर की आवाज से शिवानी का ध्यान टूटा। वह न जाने कब से सिंक के पास खड़ी थी और नल टपकता जा रहा था। उसने जल्दी से नल बंद किया और खाने का डब्बा लाकर शेखर के हाथ में थमा दिया। शाम को चाट खाने चलेंगे, तैयार है ना? चलते समय शेखर ने शिवानी के बालों में हल्के से हाथ फेराते हुए कहा। शिवानी को लगा जैसे उसकी सारी तकलीफ सोख ली एक लम्हे ने। महीने के आखिर तक पैसे भले ही खत्म हो जाएं, पर शेखर का प्यार पहली तारीख को भरे हुए बटुए की तरह खनकता रहता था। बस यही तो एक चीज थी जिसके लिए शिवानी ने अपना घर, अपना परिवार सब छोड़ दिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। शेखर शिवानी का पड़ोसी था, दोस्त था। दोनों के रहन सहन में, परिवारों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था। शेखर भला लड़का था, इसलिए जब तक वो शिवानी का दोस्त रहा, शिवानी के परिवार को उसमें कोई ऐब नहीं दिखा। पर एक दिन ये दोस्त शिवानी के लिए कुछ खास हो गया। दोनों के घरवालों को जब तक पता चलता, पूरे मोहल्ले में उनके इस खास रिश्ते के चर्चे होने लगे। मोहल्ले से उड़ते उड़ते उनके प्यार की खबरें शिवानी के पापा के कानों तक भी जा पहुंची थीं। कल तक शिवानी की हर इच्छा को सर माथे पर लेने वाले पापा उस दिन आपे से बाहर थे। तुम समझती क्या अपने आपको? इतना प्यार, इतनी छूट मिली हुई तुमको, तो जो मन में आए वो करोगी, पापा ने गुस्से में उबलते हुए कहा। पापा को ऐसे शिवानी ने कभी नहीं देखा था। एक पल को वो डर गई थी, लेकिन वो भी अपने पापा की ही बेटी थी। अड़ गई कि ना तो शेखर से मिलना छोड़ेगी, ना उससे प्यार करना। नहीं चाहती थी शिवानी शेखर से इस तरह भाग के शादी करना। पापा से चाहे लाख लड़ ले, पर उनसे बेइंतहा प्यार भी करती थी वो। लेकिन शेखर को छोड़ देना भी उसके अपने बस में नहीं था। वो दिन था और आज का दिन। न शिवानी ने कभी अपने मां बाप को देखा, न शेखर कभी अपने परिवार से मिल पाया। प्रेम विवाह की दोनों को इतनी बड़ी सजा मिली थी। पेड़ ने अपनी शाख को खुद ही काट के फेंक दिया था, और यह इंतजाम भी कर दिया था कि वो शाख फिर कभी पनप ही ना पाए।
शिवानी से शादी करने की सजा के तौर पर शेखर को परीक्षा देने से रोक दिया गया। जुर्म हालांकि कम अटेंडेंस होना बताया गया। शिवानी के मामा जी खुद कॉलेज के प्रॉक्टर थे तो उनके लिए अटेंडेंस बदलवा देना बड़ा काम नहीं था। घर और कॉलेज दोनों से निकाल दिए जाने के बाद शेखर शिवानी को लेकर याद शहर आ गया। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भरोसा था, प्यार था, सम्मान था, पर गृहस्थी भी तो शुरू करनी थी। शिवानी ने अपना एकमात्र गहना, अपने गले में पड़ा मंगलसूत्र उतार कर शेखर के हाथ में रख दिया। शेखर कुछ पल तक शिवानी को देखता रहा, फिर मंगलसूत्र की जगह एक काला धागा उसके गले में डाल दिया। शिवानी, तुम देखना, एक दिन मैं तुमको वो सब दूंगा जो मेरे लिए तुमको छोड़ना पड़ा, शेखर ने कहा था। शिवानी ने शेखर के कंधे पर सर रख दिया। कुछ दिनों में शेखर को एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई और दोनों ने एक मकान भी ले लिया किराए पर। उस छोटे से मोहल्ले में उनका डेढ़ कमरे का मकान सपनों के महल जैसा नहीं था। पहली बार इस मोहल्ले में घुसने पर शिवानी को उबकाई सी आ गई थी। मोहल्ला क्या था? कबाड़खाना था। हाँ, कबाड़खाना ही था। गली में रहने वाले आधे लोग कबाड़ी का काम करते थे। दुकानों के आगे संदूक से लेकर बंदूक तक और कंप्यूटर से लेकर कैलकुलेटर तक, यानी हर तरह का टूटा फूटा सामान बिखरा रहता था और दिन रात लोहे को ठोकने पीटने की आवाजें कानों में गूंजती रहती थी। लेकिन 1000 रुपए में इससे अच्छा घर और कहां मिलता। दोनों के साशियाने में डेढ़ कमरों के अलावा एक दरवाजा और दो, नहीं शायद तीन खिड़कियां थी। उनमें से एक जाम होकर हमेशा के लिए बंद हो गई थी। 1 साल लगा जिंदगी को पटरी में आने में और फिर उनकी जिंदगी में आया खुशियों का एक छोटा सा पुलिंदा, उनकी बेटी नेहा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। शेखर और शिवानी की जिंदगी अब नेहा के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी, पर मां पापा की याद एक पल को भी शिवानी के दिल से नहीं निकली थी। उसने याद शहर में घर मिलते ही मां को चिट्ठी लिखी थी, अपनी खैरियत की खबर दी थी, माफी मांगी थी, न जाने किस उम्मीद में अपना पता भी लिख दिया था। महीने बीते, फिर साल बीत गए, न जवाब आना था न आया। अब तो उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया था। पिछले 6 सालों में शेखर की तनख्वाह 3000 से बढ़कर 7000 हो गई थी। मोहल्ले के आखिरी छोर तक पक्की सड़क बन गई थी। कबाड़ के अलावा दूसरी छोटी मोटी दुकानें भी मोहल्ले में खुल गई थीं। गिरते संभलते शिवानी भी पक्की गृहस्थन बन चुकी थी। कहां हाथ खोलकर खर्च करना है, कहां बचत करनी है, क्या जरूरी है, किस चीज के बिना काम चल जाएगा, शिवानी ने सीख लिया था। अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली थी उसने याद शहर में। और आज सुबह से ही शिवानी उदास थी। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, उदासी को परे झटकने की कोशिश की, पर नेहा का एक जोड़ी जूते मांगता हुआ उदास चेहरा धुंध की तरह उसको घेरे खड़ा था। एक ओर शिवानी के पापा की लाखों की दौलत थी और दूसरी ओर उसके पति की मुट्ठी भर कमाई, और बीच में थी नेहा। ना नाते, न रिश्तेदार, न अच्छे कपड़े, न खिलौने। अपनी बच्ची के लिए ऐसे बचपन की कभी कामना नहीं की थी उसने। कितना दुख हुआ था नेहा को उस दिन जब उसको पता चला था कि वो कभी ननिहाल नहीं जा सकती। उस दिन नेहा स्कूल से लौटी तो बहुत खुश थी। उसका दोस्त पंकज अपने ननिहाल से लौटा था, सबके लिए चॉकलेट लाया था। तब से नेहा ननिहाल नाम के शहर जाने के लिए मचल रही थी। मम्मी, आपको पता है ननिहाल में एक नदी है, पंकज ने वहां बोटिंग भी की, और ना वहां बड़ा सा झूला है। नेहा ने अपनी बाहें फैलाकर उस बड़े से झूले की नाप बताने की कोशिश की। शिवानी बता नहीं पाई थी उसको कि ननिहाल कोई शहर नहीं, उसके अपने नाना नानी का घर है, उन नाना नानी का जिनके लिए शायद नेहा का अस्तित्व ही नहीं है। मम्मी, हम भी ननिहाल जाएंगे ना, नेहा ने शिवानी की साड़ी का पल्लू खींचते हुए कहा। शिवानी कुछ बोली नहीं, चुपचाप मटर छीलती रही। नेहा ने फिर उसका पल्लू खींचकर अपना सवाल याद दिलाया और शिवानी ने गुस्से से भरी एक नजर नेहा पे डाली और नेहा समझ गई कि उसके वंडर वर्ल्ड जाने या परी वाली सफेद ड्रेस खरीदने की बात की तरह ये बात भी मम्मी को पसंद नहीं आई थी। नेहा चुपचाप उठी
और अपना होमवर्क करने लगी और शिवानी किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर मटर छीलती रही। ये पहली बार नहीं हुआ था कि नेहा की किसी जरूरत को उसको टालना पड़ा हो, पर आज शिवानी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर हो आई थी, बिस्तर पर गीला तौलिया अभी भी पड़ा हुआ था। शेखर आज भी जल लगा हुआ शेविंग ब्रश बिना धोए चला गया था। बर्तन अब तक जूठे पड़े थे। शिवानी ने एक लंबी सांस ली और बिखरे हुए घर को संभालने में जुट गई। अभी बर्तन धोने शुरू ही किए थे कि पोस्टमैन आ गया, उसके नाम की चिट्ठी लेकर। शिवानी ने चिट्ठी भेजने वाले का नाम देखा, आशा रथ, शिवानी की मां। मां का खत हाथ में लिए बुत बनी खड़ी रही शिवानी। इतने सालों बाद उसके घर वालों को उनकी बेटी याद आई थी। इतने सालों बाद भूली बिसरी शिवानी के पास उसकी मां की चिट्ठी आई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। शिवानी ने कांपते हाथों से अंतरदेशी का चिपका हुआ किनारा फाड़ा। मां के हाथों लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने झिलमिला उठे। लिखा था, उम्मीद है तू खुश होगी अपनी दुनिया में, तभी तो तुझको कभी मां की याद नहीं आई। तू अपने पापा से नाराज है, तेरे पापा तुझसे खफा हैं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है बेटा, मुझको क्यों सजा दे रहे हो तुम लोग। सुना है पिछले महीने तू दिल्ली आई थी, एक बार मिलने ही आ जाती। खैर 26 की सुबह तेरे पापा भी आ रहे हैं यार शहर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, तेरी मां। खुशी और अविश्वास के बीच का कोई आयाम था जहां इस वक्त शिवानी झूल रही थी। पापा आ रहे थे उसके इतने साल बाद, और शिवानी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए, कहां से शुरू करे। शिवानी ने अपने घर पर एक नजर दौड़ाई। लोअर मिडिल क्लास पना हर ओर बिखरा पड़ा था। शिवानी का दिल बैठ गया। एक भी ढंग का सामान नहीं था उसके घर में। नायलॉन की रस्सी से बनी चारपाई इतनी ढीली हो गई थी कि जरा सा भार पड़ते उसका तला धप से नीचे चला जाता था। शिवानी ने खींच खींच के पूरी रस्सी को बाहर निकाला, चारपाई के फ्रेम में नए सिरे से रस्सी कसी। चारपाई अब काफी हद तक काम चलाने लायक हो गई थी, लेकिन कुर्सी को बैठने लायक बनाना अभी बाकी था। लकड़ी की दो कुर्सियों में से एक का बायां पैर कई दिनों से फ्रैक्चर हुआ पड़ा था। अब तक ईंटों से काम चल रहा था, लेकिन पिताजी के सामने ऐसी कुर्सी थोड़े रख सकते हैं। शिवानी कुर्सी लेकर बाहर गई और गली के नसीम मियां से एक पैर जुड़वा लाई। हालांकि नया पैर दूसरे पायों के मुकाबले कुछ बेडौल था, लेकिन कुर्सी ने चर चर की आवाज करनी बंद कर दी थी। शिवानी ने कुर्सी पर बैठकर देखा और संतुष्ट होकर अपने काम में कूद गई। दरवाजे के लिए पर्दे का इंतजाम अभी नहीं हो सकता, लेकिन पीछे वाली खिड़की पर अच्छा पर्दा लगाना जरूरी था। पीछे बहता हुआ नल पापा की नजरों में नहीं आना चाहिए। शिवानी ने अपनी अटैची खोली। पीले रंग का एक दुपट्टा पड़ा था। मां की आखिरी निशानी के तौर पर शिवानी आते वक्त मायके से उठा लाई थी। शिवानी ने उसी दुपट्टे को सिलकर पर्दा बना लिया। उसके बाद उसने झाड़ू लगाया और सफाई में जुट गई। हर ओने कोने को साफ किया, घिस घिस के पोछा लगाया। इतने में नेहा स्कूल से वापस आ गई। सुबह खाई हुई डांट अब तक पच गई थी, अब उसको भूख लगी थी। बच्ची को पुचकारते हुए शिवानी जल्दी जल्दी आटा गूंथने लगी। पता है नेहा कल कौन आ रहा है, शिवानी ने आटा गूंथते गूंथते नेहा से कहा। कौन मम्मी, नेहा अपने बालों में बंधी रिबन खोलते हुए बोली। नाना जी आ रहे हैं, नेहा के लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। खिलौने? खिलौनों का नाम सुनते ही नेहा की आंखें चमक उठी। मम्मी नाना जी जूता भी लाएंगे ना, कुछ सोचते हुए नेहा ने कहा। आज स्कूल में मैम ने बहुत डांटा, कहा जूते पहन के आना, नेहा की आवाज भर्रा गई। हाँ बाबू नाना जी जूते भी लाएंगे, शिवानी ने नेहा को गले से लगा लिया। मम्मी लेकिन नाना जी को कैसे पता चलेगा कि मुझको कौन से जूते चाहिए, कौन सा कलर मुझको पसंद है, नेहा ने शिवानी के गालों पर हाथ फिराते हुए कहा। फिर खुद जवाब भी दे दिया, अच्छा आपने बताया होगा है ना। शिवानी और शेखर की शादी के बाद पहली बार उनके परिवार से कोई घर आ रहा था। नेहा के लिए ये बिल्कुल नई सी बात थी। वो खुशी से यहां वहां उछल रही थी।
और शिवानी को भी लग रहा था कि अपनी बेटी की तरह आज वो भी एक बच्ची हो गई। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम। शाम को शेखर डरता डरता घर पहुंचा। चाट खिलाने का वादा करके वो खुद ही भूल गया था। शिवानी से उसको ओसे की उम्मीद थी, पर आज तो उसके रंग ही अलग थे। घर भी कुछ बदला बदला सा लगा। खिड़की पे पर्दा टंगा हुआ था। दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पे स्वागतम लिखा हुआ एक कपड़ा लटक रहा था। दीवार पर हमेशा टंगी रहने वाली उसकी कमीज पैंट गायब थे। शिवानी के चेहरे पे आज वही खुशी वही उत्साह था जो कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। शेखर को शिवानी पे दया आ गई। सेठ विजय कुमार रथ की बेटी को कभी किसी चीज की कमी थोड़े होती, और अब छोटी सी तनख्वाह में कैसे खींच खींच के घर चलाती है बेचारी। पर शेखर को उसने कभी इसके लिए ताने नहीं मारे। हर वक्त बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़ी रही। देखो मैं कहती थी ना, पापा हमको जरूर माफ कर देंगे। शिवानी ने मां की चिट्ठी शेखर की ओर बढ़ा दी। शेखर ने चिट्ठी पढ़ी और मोड़कर शिवानी को देते हुए कहा, इतने सालों में तो याद नहीं आई बेटी की, और अब चलो ठीक है। पूरी रात शिवानी करवटें बदलती रही। सुबह जल्दी उठ गई। शेखर की नींद खुली तो देखा साड़ी का पल्लू कमर में खोंसे, बालों को जूड़े में कसे शिवानी पूरी तन्मयता के साथ बर्तनों को रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। शेखर को देखते ही शिवानी ने अपना काम रोक दिया। हाथ धोए, पहनी हुई साड़ी में ही हाथ पोंछे और साड़ी के पल्लू से बंधी एक गांठ खोल दी। कुल बचे 300 रुपयों में से 100 का एक नोट शिवानी ने शेखर के हाथ में रख दिया। जल्दी से पाव भर मिठाई और थोड़े फल ले आओ, 1 किलो दूध भी ले आना और 1 किलो चावल भी, अच्छे वाले हैं। शिवानी जानती थी कि पापा को मोटे चावल खाने की आदत नहीं है। शेखर सामान लाने चला गया और शिवानी नाश्ता बनाने में जुट गई। नेहा को स्कूल और शेखर को ऑफिस भेजकर नेहा ने एक नजर खुद पे डाली। बेरौनक चेहरा, रूखे सूखे हाथ, आंखों के नीचे उभर आए काले निशान। लग रहा था जैसे उम्र शिवानी को पीछे छोड़ के कहीं आगे निकल गई है। शिवानी जानती थी कि पापा को ढीले ढाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। शिवानी और मां को घर में हमेशा अच्छी तरह तैयार होकर बैठे रहना होता था। खुद शिवानी को भी कभी मैले सलवट वाले कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगे। मायके में तो वो नाइट सूट भी प्रेस करके पहनती थी। जितना हो सकता था शिवानी ने खुद को संवारा, अपनी शिफॉन की एकमात्र साड़ी पहनी, घर को एक बार फिर सजाया, लेकिन उसकी नजर लगातार दरवाजे पे ही टिकी हुई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम। दोपहर हो गई थी। इंतजार करते करते उसकी आंखें थकने लगी थीं, पर उसके पापा अब तक नहीं आए थे। पापा का गुस्सा शिवानी जानती थी। वो जानती थी कि पापा आज भी उसको पहले भला बुरा कहेंगे, उसकी गलती के लिए डांटेंगे, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो आज पापा की किसी बात का बुरा नहीं मानेगी। जो कहेंगे चुपचाप सुन लेगी। जवाब देने पर पापा और ज्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन गलती मान लो तो माफ भी कर देते हैं। एक बार शिवानी से पापा की परफ्यूम की महंगी बोतल गलती से टूट गई थी। शिवानी और माँ पूरे दिन डर के मारे सहमे बैठे रहे। शाम को पापा आए तो शिवानी पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में पापा दंदनाते हुए उसके कमरे में आ गए। तूने तोड़ी मेरी परफ्यूम की बोतल, पापा गरजे। शिवानी सर झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखों से तड़ तड़ आंसू बह रहे थे। सॉरी पापा, गलती से टूट गई, शिवानी रोते हुए बोली। पापा की फेवरेट परफ्यूम थी वो। पापा किसी को छूने नहीं देते थे उसको, लेकिन शिवानी को रोते देखकर पापा का गुस्सा एक पल में हवा हो गया। कहां तो पापा उसको डांटने आए थे और कहां खुद ही उसको मनाने लग गए थे। काश शिखर से शादी के लिए अड़ने के बजाय उसने प्यार से पापा को समझाया होता। काश घर छोड़ने के बजाय उनको मनाने की कोशिश की होती, शिवानी ने सोचा। मां ने तो सुबह आने की बात लिखी थी, अब 2 बजने वाले थे। सारा काम हो चुका था, लेकिन शिवानी फिर भी रसोई में घुस गई। रसोई के डब्बों को व्यवस्थित किया, चाय पत्ती के डब्बे पर जमी धूल हाथ से ही साफ की और एक बार फिर खीर को करछी से हिलाया। काफी देर पहले उसने खीर बना ली थी जो अब तक गाढ़ी होने लगी थी।
और पापा को गाढ़ी खीर बिल्कुल पसंद नहीं थी। ओफो, थोड़ा दूध बचा लेना चाहिए था मुझको, अब खीर पतली करने के लिए पानी डालना पड़ेगा। शिवानी को कोफ्त हो गई। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद शिवानी बाहर निकली और बगल वाली सुशीला के फोन से शेखर के ऑफिस फोन लगा दिया। शिवानी का फोन देखकर शेखर थोड़ा डर गया। बहुत मजबूरी ना हो तो शिवानी कभी उसको ऑफिस में फोन नहीं करती थी। शेखर, 2 बज गए, शिवानी ने कहा। हाँ तो क्या हुआ, शेखर हैरानी से बोला। पापा अब तक नहीं आए, कब से इंतजार कर रही हूं। तुमसे किसने कहा था कि पापा आ रहे हैं, शेखर झल्ला उठा। मां ने तो लिखा था चिट्ठी में, शिवानी को अपनी आवाज डूबती सी लगी। मां ने लिखा था पिताजी आज शहर आ रहे हैं और तुमने सोच लिया तुम्हारे घर आ रहे हैं। हाँ अच्छा, तभी हो रही थी सारी तैयारी। शिवानी तुम भी ना, शेखर शायद किसी फाइल में व्यस्त था इसलिए उसने जल्दी से फोन रख दिया। शिवानी मरे मरे कदमों से अपने घर लौट आई। उसके दिमाग में जैसे कोई तूफान चल रहा था। उसने पनीली आंखों से डोंगे में रखी खीर को देखा और उस पर ढक्कन रख दिया। तभी नेहा भी स्कूल से वापस आ गई। उसने खाली कमरे और मां की भरी हुई आंखों को देखा, बोली, मम्मी नाना जी नहीं आए? नहीं बेटा, नाना जी को कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाए, शिवानी ने नेहा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। नाना जी के आने की उम्मीद लगाए बैठी नेहा मां की बात सुनकर रुआंसी हो गई। उसने अपना बस्ता मेज पर रखा और थके हुए हाथों से अपने फटे हुए जूते उतारने लगी। शिवानी ने बेटी के उतरे हुए चेहरे को देखा। उसके आंचल की गांठ में बेटी की मुस्कान बंधी हुई थी। शिवानी ने गांठ खोली, 100-100 के मुड़े तुड़े 2 नोट उसके हाथ में आ गए। महीना खत्म होने में अभी भी 2 दिन बचे थे, पर उसने कुछ पल सोचा और बोली, चल नेहा, तेरे लिए जूते लेके आते हैं। बस इतनी सी थी कहानी।